खबर लो उत्तर प्रदेश फेब्रुवारीत आरम्भ हम उत्तर प्रदेश निर्वाचन तार पूर्वे यह मुहूर्त योगी आदित्यनाथे एक डांगर घोषणा कर मोक मुसलमान भोट नेलागे हिमंत विश्व शर्मा जीदरे कैसी मियार भोट नेलागे यह मुहूर्त योगी आदित्यनाथे कैसे मोक मुसलमान भोट नेलागे उत्तर प्रदेश 20 शतांश मुसलमान और 80 शतांश हिंदू और यार पिछते कैसे 20 शतांश भोट मोक नेलागे 80 शतांश हिंदूर भोटेरे मैं सरकार गठन कर यह मुहूर्त योगी आदित्यनाथ डांगर घोषणा हिमंत विश्वर सुरते सुर मिला योगी आदित्यनाथ और मुसलमान भोट नेलागे मुहूर्त घोषणा उत्तर प्रदेश 20 शतांश मुसलमान भोटर प्रयोजन ना कैसे योगी आदित्यनाथे उत्तर प्रदेश एबार 80% बनम 20% जुज चल उत्तर प्रदेश 80 शतांश जनता हिंदू 20 शतांश मुसलमान आशी शतांश हिंदू समर्थन एफाले हम बाकी 20 शतांश समर्थन आनफाले थी घोषणा करोगी आदित्यनाथे योगी आदित्यनाथे कैसे आम 80 शतांश समर्थन धनात्मक ऊर्जार आग बढ़ीम और सरकार गठन करीम बाकी 20 शतांश सदा आम विरोधित करो कर 80 शतांश समर्थन उत्तर प्रदेश बीजेपी जय हम घोषणा योगी आदित्यनाथर कोनो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी शक्ति के मोदी और योगीक स्वीकार नक प्रकाश कर योगी आदित्यनाथ मैं डिंगी काटि दिले 20 शतांश लोक आम समर्थन नक प्रकाश कर योगी आदित्यनाथ 20 शतांश लोक भारत विरोधी और हिंदू विरोधी आख्या दी मैं ये 20 शतांश लोक विश्वास करा नासिलो आरु केतियाओ नकरो भविष्यते डांगर घोषणा अवश्य मैं भेदभाव नोहुआकै उत्तर प्रदेश 20 कोटि जनतार हो काम करिम किन्तु 20 शतांश भोट नालागे किन्तु मैं ये 20 शतांश केयारो नकरो बुली कैसे परवाह नकरो बुली कैसे हिमंत विश्व शर्मार सुरते सुर मिला योगी आदित्यनाथे घोषणा कर मुसलमान भोट मोक नेलागे आम कई मंत्य शुनम उत्तर प्रदेश 20 शतांश मुसलमान भोटर प्रयोजन ना कैसे यह मुहूर्त योगी आदित्यनाथे उत्तर प्रदेश एबार 80 शतांश और 20 शतांश जुज चल 80 शतांश हिंदू 20 शतांश मुसलमान उत्तर प्रदेश मुठ जनसंख्यार 80 शतांश हिंदू 20 শতাংশ মুসলমান 80 শতাংশ হিন্দু সমর্থন এফালে হব আর বাকি 20 শতাংশ সমর্থন আনফালে থাকিব আমি 80 শতাংশ সমর্থনৰে ধনাত্মক উজ্জ্বলে আগবাঢ়িম আর জয় হম বাকি 20 শতাংশই সদায় বিরোধিতা করে এইবারও নির্বাচনৰ বিরোধিতাই কৰিব 80 শতাংশ সমর্থনৰে উত্তর প্রদেশ বিজেপি জয় হব বুলি ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথৰ কোনো ভাৰত বিৰোধী আৰু হিন্দু বিৰোধী শক্তিয়ে কেতিয়াও মোদী আৰু যোগীক স্বীকাৰ নকৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে তেওঁ কৈছে মই ডিঙি কাটি দিলেও সেই 20 শতাংশ লোকে আমাক সমর্থন নকৰে 20 শতাংশ লোকক ভাৰত বিৰোধী আৰু হিন্দু বিৰোধী আখ্যা দিছে मैं ये 20 शतांश लोक विश्वास करा नासिलो आरु भविष्यतो विश्वास नकरो ये मंतव्यर पिछले चांचल्यर सृष्टि हुई देश मैं भेदभाव नोहुआक 25 कोटि जनतार हो काम करि जाम प्रकाश कर मैं सकुके चाम कि 20 शतांश भोट नालागे 20 शतांश केयार नकरो बुली कैसे आम योगी आदित्यनाथ मंतव्य यह मुहूर्त शुनाइछो कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को कभी नहीं स्वीकार करेगा मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही मुझमें विश्वास उसको नहीं करना है ना पहले करता था ना आगे उसको करना है और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं
मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है, बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और आंकड़ों अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही, उसमें विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था ना आगे उसको करना है और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है, बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और आंकड़ों अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और ये सांसल्यकर घोषणा হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সুরতে যে সুর মিলাইছে যোগী আদিত্যনাথে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অনুকরণ করেছে নাকি যোগী আদিত্যনাথে? হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কইছিল মোক মিয়ার ভূত নালাগে, এবার যোগী আদিত্যনাথে কইছে 20% মুসলমান ভোটর মোক প্রয়োজন নাই। উত্তর প্রদেশত এবার 80% বনাম 20% যুঁজ চলিব বলে তেও প্রকাশ করেছে। We'll be right back.